हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्षिता मन्हास। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा बुकमार्क। हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ एक टैग से, जो कपड़ों में टैग लगी होती है ना, वो वाले टैग से। सो ऐसे मैंने बनाए हुए हैं पहले भी, आप देख सकते हो। ये मैंने पहले बनाया था टाइम टू स्टडी एंड ये बहुत अच्छा चला बुकमार्क, तो मैंने निकाल के आपको अभी बताया। ऐसा ही सेम हम बनाने वाले हैं। सो आपको बस क्या करना है कि टैग लेना है एंड यहाँ पे देख लो, इंग्लिश पेपर से मैंने किया हुआ है एंड ये लग भी नहीं रहा कि इंग्लिश पेपर है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है बट हम इसे कवर कर देंगे बहुत इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो क्या किया, मैंने एक टैग ले लिया है एंड आप कोई सा भी टैग ले सकते हो, बस वो हार्ड होना चाहिए, पतला टैग से वो नहीं बन पाएगा मुकबाक। एंड और मैंने यहाँ पे अभी अपना क्राफ्ट पेपर ले लिया है और मैं बता रही थी आपको कि बीच में जो शेड है ना वो होना चाहिए, तो ही बुकमार्क बन पाएगा क्राफ्ट पेपर। एंड ये मेरा पहला पुराना कोई टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है। सो अभी मैं इसे हाफ कट करने वाली हूँ यहाँ से, एंड जो ये वाला जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये वाला पीछे आ जाएगा एंड जहाँ पे खाली है वो आगे आ जाएगा। एंड उसे कवर कैसे करना है वो मैं आपको पक्का बता दूँगी। आपको कट कर लेना है। अब ये पीछे वाला पोर्शन जो है, जो खाली वाला है वो लेना है। आप लिखे वाले मत लिखना क्योंकि वो मतलब कि दिखता है, तो भी बस ये आपको क्राफ्ट पेपर के ऊपर रखना है एंड ऐसा आपको कवर करना है। मैं आपको जस्ट हिंट दे रही थी, वैसे ही उल्टा आना है, मैं आपको हिंट दे रही थी कि ऐसा हो जाना है। सो अब क्या करना है, इसे कवर कर देना है। आप ग्लू से कर सकते हो, ग्लू स्टिक से कर सकती हो, फेविस्टिक, फेविकोल, किसी से भी। टेप से मत करना, टेप से हम लास्ट में जो डेकोरेशन करनी है वो हम करेंगे। सो फटाफट से इसे हम रोल कर लेते हैं और ये शेड पे एक मार्क लगाएंगे हम, जैसे यहाँ पे है एक शेड, यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। ओके एंड अब फिर ऐसे ही उल्टे वाले पे लगा लेंगे मार्क एंड अब इसे कवर कर देंगे। एंड अब कवर कर लिया मैंने, एक्स्ट्रा साइड जिसकी काट देंगे ऊपर ऊपर, आपको खाली जगह जब हम टेप लगाएंगे वो अपने आप सेट हो जाएगा। सो ये शेड जो है वैसा का वैसा ही है जैसे पॉइंट किया था। बाद में अगर आप फुल कवर कर दो ना फिर मिलता नहीं है शेड। सो अब मेरे पास बहुत सारी टेप्स है, तो टेप्स का भंडार है मेरे पास, तो समझ नहीं आता कौन से लगाऊँ। मैंने सोचा जैसे पहले किया था ना ऐसे वाले टेप, तो ये लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट टेप एंड सेम डिज़ाइन ही रखते हैं, बस कोट चेंज कर देते हैं। एंड ये ले ली मैंने टेप मेरी। वैसे तो मेरे दो और फेवरेट टेप्स हैं, ये ब्लू स्पार्कलिंग एंड ये रेनबो वाली। ओके सो वैसे मैं यही यूज़ करने वाली हूँ अब। ओके अब हम इसे कवर करेंगे, इसके साइड्स कवर करेंगे हम अपने अपने डिज़ाइन से, देख सकते हो। सो शेड कवर नहीं होना चाहिए बस, बाकी जो आपसे मर्जी कर लो, जैसे ये मैंने किया हुआ है ना साइड पे। एंड ये ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो करो वरना नहीं करो। अगर आपके डिज़ाइनर टेप नहीं अवेलेबल तो मत करो, सिंपल टेप से मत करना। ओके सो फटाफट से हम लगा लेते हैं साइड पे टेप, एक साइड पे लगा लेते हैं एंड ये चिपक गया था, तो अब खोलते हैं। ईजिली आप आपको आप घर पे बुकमार्क बना सकते हो क्योंकि जब भी कपड़े आते हैं टैग तो मिलता ही है एंड पेपर तो वैसे भी हमारे पास पड़ा ही होता है, ग्लू, फेविकोल, ये तो कॉमन थिंग्स है, कॉमन थिंग्स से ही आप बना लोगे, टेप ऑप्शनल है। तो डिज़ाइन ही मैंने कुछ इस तरह का रखा है इसका। ओके तो गलती से चिपक गया क्योंकि मैं हिसाब लेती हूँ, तो इसलिए इसे पीछे से ना कवर कर देना और जो ऊपर वाला पार्ट रह गया उसे कट कर देना है सीजर्स से। सो फ्रेंड्स ऐसे मैंने डिजाइन बना लिया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा कलर मैं आपको बताती हूँ, मेरा फेवरेट कलर है मॉव कलर, मॉव पर्पल कलर होता है मेरा, वो फेवरेट कलर है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपना जो रूम है वो भी इसी कलर का करवाया है। सो फटाफट से हम ये सारे टेप्स लगा लेंगे साइड। मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि डेकोरेटिव टेप्स होती है ना वो हमें अलग सा ग्लो देती हैं एंड अब
ये घर पे आराम से बुकमार्क बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था, डिज़ाइन मैंने ऐसा रखा हुआ है, पीछे से हमें एक टेप लगाने के लिए, खुला खुला लग रहा है कभी फट सकता है, इसलिए टेप लगा देते हैं ऊपर ओवर सेफ्टी के लिए। एंड फटाफट से लगा लेनी है टेप। ये ड्राई होने को भी बिल्कुल टाइम नहीं लेती है, अगर आप फेविस्टिक यूज़ करोगे तो फटाफट ड्राई भी हो जाएगा। मेरी मानो तो फेविस्टिक ही यूज़ करो कोल के अलावा, क्योंकि वो एकदम जब आप लगाते हो तो वाटरी वाटरी सा हो जाता है ना पेपर, फिर अच्छे से काम नहीं करता। तो ये मेरे पुराने कलर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि ऐसे ही जो भी मुझे मिलती हैं गिरे पड़ा रहे वो मैं ले लेती हूँ और ये डब्बे में डाल देती हूँ, जैसे मैंने बोला था कि पुराने जैसे ही करेंगे। सो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि पुराना ही करूँ या नया करूँ, इसलिए मैंने बोला कि सोचा कि पुराना ही करते हैं। तो ये वाला कलर किया था मैंने, ये वाला करते हैं अब कलर फटाफट, फटाफट से कर लेंगे ये वाला कलर। मुझे ब्रश पेन से कलरिंग करने में बहुत मज़ा आता है यार। और ये जो डब्बा है ना, इसमें सारे ऐसे कलर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि जो मुझे इधर उधर गिरे मिलते हैं। सो यहाँ पे जो मैं कोटेशन लिख रही हूँ वो है आई लव टू स्टडी, टू तो नहीं लिखा है, लिखा आई लव स्टडी। सो ये अच्छा सा लगता है, स्टडी मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है साइड पे। एंड आप अपने मन की कोई भी कोटेशन लिख सकते हो, कोई कलर कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइनर टेप लगा सकते हो। एंड ये तो मैंने सिंपल पेन से लिखा था, ये शेक करके ब्रश पेन को, अब मैं इसे थोड़ा डार्कर करने वाली हूँ। फटाफट से मैंने सारा साफ कर लिया, साफ सॉरी मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसे मैंने थोड़ा सा